सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही जबरदस्त कट वर्क पैच लगाने का तरीका लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये मेरे पास शर्ट है और ये शर्ट का नीचे वाला घेरा है। हमने जस्ट कट वर्क वाले पैच को लगाने का तरीका देखना है। तो ये मेरे पास जो है वो एक पैच है, ये मेरा डिजाइनर सूट है। अमूमन जितने भी डिजाइनर सूट्स होते हैं उनके साथ ही आपके पास पैचेस अवेलेबल होते हैं। वैसे आजकल तो मार्केट में ओपन पैचेस भी अवेलेबल है। तो ये इसको मैं करती हूँ ओपन। अब ये देखें, यहाँ पर कट वर्क वाले जो हैं वो मोती लगे हुए और यहाँ पर नहीं है, तो मैं ये वाली जो साइड है उसको घेरे पर नीचे की तरफ करूंगी और ये साइड जो है वो मैं ऊपर की तरफ शर्ट पर करूंगी। अब जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इसकी शेप इस तरह से है, कट्स में है। तो अब जो हम आज की जो वीडियो है वो इसी कट वर्क पैच के ऊपर है। अगर इस तरह का आपके पास कोई भी पैच अवेलेबल हो तो आपके अपनी मर्जी है, चाहे तो आप ये साइड नीचे कर लें, चाहे तो ये कर लें, इट्स अप टू यू। लेकिन जो मेरे पास पोस्टर डिजाइन है उसमें ये कट वर्क वाला जो है वो नीचे की तरफ है जिसमें ये मोती लगे हुए हैं। तो इसको कर दूंगी साइड पर। ये मेरे पास जो शर्ट है ये सीधी साइड में अवेलेबल है, मैं इसको क्या करूंगी उल्टा कर दूंगी। बहुत ही आसान और सिंपल वे से जो है मैं आज आपको पैच लगाना बताऊंगी। वैसे मैं इससे पहले अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको पैच लगाना बता चुकी। अब ये देखें, ये शर्ट भी हमारी उल्टी है और पैच भी हमने उल्टा रखना है। मैं सिर्फ अभी आपको समझाने के लिए जो है वो सीधा रखकर दिखा रही हूँ। इस तरीके से आपने कुछ रखना है कि हमारा जो सिलाई का कपड़ा है तकरीबन इतना इतना वो भी निकल आए, ताकि आसानी से हम इसको सीधी साइड पे उल्टा लें। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे उल्टा। उल्टा करने के बाद अब ये आप देख लें कि यहां पर मैं तकरीबन हाफ इंच जो है छोड़ दिया है शर्ट के हिसाब से, क्योंकि इससे क्या होगा, हमें जब उल्टाएंगे इसको, हम सीधी साइड की तरफ इसको इस तरह से करेंगे तो जो सिलाई है वो निकलेगी नहीं। आप क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लें कि आपने इसको कहाँ रखकर जो है वो सिलाई लगानी है। बिगनर्स यहां पर चाहें तो नीडल्स की मदद से इसको स्टिफ कर सकती हैं, इसको अपनी जगह से ताकि हिले ना, मगर अगर आप नहीं करना चाहते, डायरेक्ट सिलाई लगाना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। अब चलिए हम इसको सुइयों की मदद से टका लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। ये मेरे पास हाथ वाली सुइयां हैं, इसको मैं क्या करूंगी, इन पोर्शंस के ऊपर हम इसको लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। इसको एकदम बिल्कुल सीधा होना चाहिए। ये देखिए, अब मैंने इसको लगा लिया, मैं जिस तरह चाहे मर्जी इसको हला लूं, ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं। अब हम इसको नीडल्स की मदद से हमने इसको सेट कर लिया। अब मैं जिस शेप में हमारे ये कट्स हैं उसी शेप में हम क्या करेंगे, मशीन की मदद से सिलाइयां लगाएंगे। तो चलिए अब हम इसको सिलाई लगाते हैं। ये देखे व्यूअर्स, अब मैं इसको सिलाई लगाने लगी हूँ। सिलाई में उसी शेप में लगा रही हूँ जिस शेप में हमारा डिजाइन है गोलाई में।
ये देखें व्यूअर्स, हमने सारे पैच को जो है सिलाई लगा ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब मैं इसको क्या करूंगी, आप नीडल्स इसको साइड से रिमूव कर लें। जो मैंने सारी जितनी सुइयां लगाई थी वो मैंने इसके साइड से उतार ली है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। कटिंग भी आप उसी शेप में करेंगे। अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा। ये देखें, अब आपको क्लियर इसकी जो शेप है वो समझ आ गई होगी, स्क्रीन पर नजर भी आ रही होगी कि जिस शेप में था हमने उसको कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां से हमने इसको टर्न करना है या कर्व है वहां से हम इसको कट्स लगाएंगे, लेकिन बहुत डीपली नहीं लगाने। ये देखें, अब मैंने कट्स लगा ली है। कट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको टर्न करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, ये एक सुई रह गई थी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें, अब जहां पे हमने टर्न करना है वहां से हम एजेस को इस तरह कर लेंगे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, सेम उसी तरीके से आपने इसको फॉलो करते जाना है। बहुत ही इजी मेथड है जो मैंने आपको बताया है और ये बहुत ही आसानी से बन गए हैं। आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आप दर्जियों पर जाएं, पहले पैच लगवाएं पिको वाले से, कढ़ाई वाले से, फिर आप इसको दर्जी को दें और इसकी सिलाई करवाएं। तो ये मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका जो है वो बताया कि घर में हम कैसे पैच को लगाकर सिलाई कर सकते हैं। ये आप देख लें, इसकी शेप प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई है। आपको अभी बगैर प्रेस के है तो इतना नीट है, देखें जब हम प्रेस करेंगे तो ये कितना नीट बनेगा। अब मैं इसको सीधी साइड की तरफ ले जाऊंगी। ये उल्टी थी साइड हमारे पास, ले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आ गई सीधी साइड। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये देखें व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस कदर ये खूबसूरत कट जो है वो प्रोमिनेंट हुए हैं। और ये बहुत ही आसान और इजी मेथड जो था हमने आपको बताया है। अभी हमने इसको प्रेस नहीं किया, अब मैं इसको प्रेस भी करूंगी और प्रेस करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पर है हम उसको कट कर अलग कर लेंगे और फिर यहाँ पर और इस साइड पर हम दोनों जगह क्या करेंगे, सिलाई लगा देंगे। और जो यहाँ पर है सेम इसी मेथड से हो सकता है, लेकिन हम इसको स्ट्रेट ही लगाएंगे तो इसकी खूबसूरती ज्यादा आएगी। तो चलिए मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ और प्रेस करते हुए आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसकी उल्टी साइड भी, आप ये देख लें कि जो कोई एक्स्ट्रा एज नहीं है इसके अंदर, जितनी कटिंग थी या जो एजेस थे वो इसके अंदर चले गए हैं और ये गुम सिलाई की मदद से जो है हमने पैच को अटैच किया है। अब हम इसको प्रेस करेंगे। मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब हम इसको फिर से सीधा करेंगे। अब मैं एक्स्ट्रा पैच की कर दूंगी कटिंग साइड से और इसको सेपरेट कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए, ये हमारा बचा हुआ पैच जो था मैंने इसको कटिंग करके निकाल ली है। अब मैं इसको कर दूंगी साइड पे और ये आ गई हमारे पास एग्जैक्ट घेरे की शेप। इसको भी यहां से फोल्ड कर लूंगी। अब मैं इसको प्रेस करके इसकी तह सेट कर लूंगी।
अब ये देखें व्यूअर्स, हमने यहाँ पर इसकी तय सेट कर ली है। अगर आप मजीद इसको इनहांस करते हुए यहाँ पे कोई लेस लगाना चाहते हैं तो आप लेस भी लगा सकते हैं, अदरवाइज हम सिंपल यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से सिलाई लगाती हूँ, सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको यहाँ पर भी सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही नीट और खूबसूरत डिजाइन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। हमने घेरे का जो पैच था वो लगा लिया है कटवर्क वाला। अब लास्ट पर हम क्या करेंगे, वैसे इट्स ऑप्शनल, अगर आपको पसंद है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास ये कुछ टसल्स हैं, मैं इनको लगाने लगी। इसको लटकन भी कहते हैं और इसको टसल्स भी कहते हैं, आप इसको अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। ये मेरे पास इस तरह, ये हार्डली 10 रुपीज का एक आता है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां जहां कट्स हैं वहां वहां सुई की मदद से हम इसको लगा लेंगे। अभी मैं जस्ट आपको एडजस्ट करके दिखा रही हूं। ये देखें, आप इस तरह इसको लगा सकते हैं, मैं अब आपको क्लोजअप पे दिखाऊंगी। ये देखें व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमने इसके जहां जहां कर्व्स थे, एजेस थे, वहां पर मैंने ये टसल्स लगा दिए। हमें आपको एक मोती जो है वो रखकर लगाकर दिखाऊंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यहां से आपने एज पर एक टांका लेना है। और इसके सुराख में से आपने इसको गुजारना है और यहां से एक टांका ले लेना है आपने। फिर मैं अगेन इस सुराख में से गुजारूंगी और ऊपर से एक टांका कपड़े के साथ लूंगी। इसी तरह ये स्टेप मैं 2 से 3 मरतबा करूंगी जब तक ये अच्छे से पक्का ना हो जाए। ये देखें, अब ये हमारा जो मोती है वो इसके साथ अटैच हो चुका है। सेम इसी तरीके से मैं सारे मोतियों को शर्ट पर अटैच कर लूंगी और हमारे जो टसल्स हैं या लटकन वो लगा लूंगी। तो इसी तरीके से आप सारे लटकन्स को लगाकर डिजाइन को कंप्लीट कर लीजिएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारा आज का जो डिजाइन है वो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का हमारा ये डिजाइन पसंद आया होगा। इसको घर पे ट्राई करें, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको आज का हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई डिजाइन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।